अब दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो कि है ओमिटिंग। ओमिटिंग है क्या है? तो ओमिटिंग ये है कि इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट, मतलब स्टोमक कंटेंट का बाहर आ जाना, ये आपका ओमिटिंग कहलाता है फ्रॉम माउथ से। दिस रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है ओमिटिंग, जो कि कंट्रोल्ड बाय ओमिटिंग सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है। अब ये लास्ट में लिखा हुआ है कि अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, मतलब पहले नोजिया, हल्की मिचली आएगी, पहले मिचली आएगी फिर वोमिटिंग होगा, डायरेक्ट वोमिटिंग मतलब नहीं होता। अब तीसरी बीमारी के बारे में बात करेंगे, जो कि है डायरिया। डायरिया क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज, मतलब एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब कि बाउल मूवमेंट का अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसे डायरिया बोलते हैं, और फिर जो फिकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी भी बढ़ जाए, तो डायरिया में दो चीज़ होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है बाउल मूवमेंट की, और दूसरी लिक्विडिटी या फिकल डिस्चार्ज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है? इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। चौथी बीमारी के बारे में बात करते हैं, चौथा बीमारी कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए डायरिया में क्या होता था? फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट होता था ना, तो इसमें भी एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, तो डायरिया में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बाउल मूवमेंट की बढ़ जाती है, और इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में घट जाती है बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी, या इरेगुलर बाउल मूवमेंट होता है, मतलब डेली डेली आप नहीं जा रहे हैं वाशरूम, तो इसमें क्या होगा कि फीसेस आपके रिटेन रहते हैं रेक्टम में, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। इंडाइजेशन, ये होता क्या? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग डेली बोलते हैं इंडाइजेशन हो गया, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हम खाना खाएं वो सही तरीके से पचा नहीं है, मतलब फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टिंग, अभी पचा नहीं सही से। इसका मतलब क्यों नहीं पचा है? तो इसके कारण है इंडाइजेशन के इनएडिक्वेट इंजाइम सिक्रीशन, मतलब इंजाइम सिक्रीशन जितना होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं हुआ, या फिर हम एनेक्जाइटी, इसके एनेक्जाइटी केस में क्या होता है? घबराते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो सिक्रीशन कम हो जाता है, और हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो गई हो उस केस में, या फिर बहुत ज़्यादा खा लिया, तो बहुत ज़्यादा खा लिया मतलब उस केस में भी यही हो रहा है कि एंजाइम की सिक्रेशन कम हो जा रहा है, और फिर स्पाइसी फूड या तो खा लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं स्पाइसी फूड, ये एंजाइम की सिक्रेशन वगैरह को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसमें इंडाइजेशन में हमें कैसा लगता है? इंडाइजेशन लगता है कि पेट भरा हुआ है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, गैस्ट्रिक जूस कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में? तो इसका आंसर होगा पहला पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। लेकिन जैसे हम कहें हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है आपको नीट में, ये बहुत गलत तरीका है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर इसके बाद आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। बस यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, तो आपको याद होगा पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन इसमें कंटेंट होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सकस एंटेरिकस का दूसरा नाम क्या है? तो इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सकस एंटेरिकस। और फिर तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे मैस द कॉलम, तो मैस द कॉलम क्या है? बिलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, तो एक इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये बाइल में प्रेजेंट होता है। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कौन करता है? तो इसका आंसर है अमाइलेसिस। फिर इसके बाद डाइजेशन ऑफ फैट, तो डाइजेशन ऑफ फैट आपका कराता है लाइपेसिस। और फिर इसके बाद सलेवरी ग्लैंड, तो सलेवरी ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है।